मैट्रिक और एफए स्टूडेंट के लिए खुशखबरी। मैट्रिक और एफए का रिज़ल्ट आ गया। जी हाँ दोस्तों, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। मैट्रिक और एफए का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। अब आपने इसको कैसे चेक करना कि आप पास हैं फेल हैं, आपके कितने नंबर हैं, किस पर कितने नंबर आए हैं, सारी डिटेल आपने कैसे चेक करनी है, सारी जो है डिटेल आपका आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल बताऊँगा कि आपने कैसे अपना रिज़ल्ट चेक करना है, कि आपका रिज़ल्ट आया हुआ है या नहीं आया हुआ, क्या आया हुआ है तो कितने नंबर आपके आए हुए हैं, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखते रहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि नई आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने जो नाम तुम वीडियो की तरफ। आपको बताता हूँ कि आपने कैसे अपना रिज़ल्ट चेक करना है और कैसे अपना रिज़ल्ट मालूम करना है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो ना बहुत से ऑप्शन शो होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि क्या अपनी सारी डिटेल जो आपके पास शो हो जाएंगी, ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपके सामने जो ना ऑप्शन नज़र आएंगे, आपने रिज़ल्ट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की जो ना ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड देना है, जो भी हो अलामा इकबाल की तरफ से जो आपको दिए गए हैं वो आपने यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप मैं तो मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपने वो लाजमी से यहाँ पर देना है। अगर नहीं मालूम तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको मालूम जाना बता दूंगा कि आपने कैसे मालूम करना है। उसके बाद जो ना फिलअप करने के बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, आपने एग्ज़ाम और ग्रेड पर क्लिक कर देना है। आपने क्योंकि रिज़ल्ट मालूम बने तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट जो ना आपकी प्रोफाइल जो ना ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने ग्रेड माई ग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी। आपका जो ना रजिस्टर नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी, आप देख भी सकते हैं। इस तरह के आपके सामने जो ना शो होंगी, आपका नाम, इंस्टीट्यूट आई डी, एकेडमिक जो है ना सेमेस्टर सारे शो होंगे। अगर आप अपना रिज़ल्ट चेक कर तो आपके सामने नीचे सेमेस्टर जो है ना आएंगे, आपने उसमें यू ग्रेड पे क्लिक करके अपना रिज़ल्ट चेक कर लेना है। अगर रिज़ल्ट आया हो तो आपके सामने इस तरह का जो है ना सेमेस्टर शो हो जाएंगे, आपने उसी पे क्लिक करके अपने जो ना रिज़ल्ट मालूम कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।